पूरी दुनिया में एक आर्थिक क्राइसिस का समय है। यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया डमाडोल स्थिति में है। ऐसे में भारत की आर्थिक स्थिति को लोग बेहतर कह रहे हैं, जीडीपी रेट कह रहे हैं 7% के आसपास है, दुनिया भी एक आशा भरी नजर से देख रही है। तो आर्थिक नीति को आप किस तरह से देखते हैं, 22 में हमारी आर्थिक दशा कैसी रही? देखिए, जो भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें देखनी पड़ेगी, ये है कि भारत में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल अकाउंट पे पैसा भारत से बाहर और भारत के अंदर नहीं ला सकते। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो तो भारत उससे थोड़ा सा सुरक्षित रहता है, क्योंकि पूरी तरह से पैसा अंदर और बाहर आना इतना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक पॉइंट तो ये है। ये जो लोग कह रहे हैं कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है वो दुनिया के बाकी देशों से बेटर है, वो सही है। भारत का जीडीपी ग्रोथ दुनिया के बाकी देशों से बेटर है। इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें, स्पेशली अगर आप यूएस में इन्फ्लेशन देखें, यूके में इन्फ्लेशन देखें, तो वहां इन्फ्लेशन बहुत हाई है, महंगाई बहुत है। भारत में इतनी नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेके मेरे हिसाब से भारत दुनिया के कंपैरिजन में बेटर कर रहा है। और इसका जो मेन कारण ये है कि जो भारतीय इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ग्लोबली इंटीग्रेटेड नहीं है, और ये अच्छी बात है कि पूरी तरह से ग्लोबली इंटीग्रेटेड नहीं है। उसका जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ग्लोबल इकोनॉमी के साथ है वो एकदम सही लेवल का है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। पर अभी क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है वो इंटीग्रेशन, और मेरे हिसाब से उस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा खींच लेना चाहिए वापस, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा बचा के रखती है इन 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 सब चीजों से। और अगर हम इसे बहुत डिटेल में बात करेंगे, अगर लोकल सप्लाई साइड इश्यूज के बारे में बात करेंगे, लोकल डिमांड एंड सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, तो बहुत बड़ा चला जाएगा वो। बट मोटा मोटा हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो मेन आर्थिक दरें होती हैं उस पे मोटा मोटा ठीक ठीक चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान अनएम्प्लॉयमेंट पे देना चाहिए, और ये जो सब्सिडीज इंक्रीज हो रही हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे, जो सब्सिडीज इंक्रीज हो रही हैं, इससे अब डेट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, और इससे आपका जो सप्लाई साइड है उस पर रुकावटें आएंगी। वो मेन इशू में तो कि जो सब्सिडीज और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 23 को कैसे देख रहे हैं आप, अगर आर्थिक नीति के हिसाब से देखें कि ये हमें जीडीपी या ये ग्रोथ हमें भारत को मिलेगा, अथवा जो आर्थिक मंदी की आहट सुनाई दे रही है, अभी मैंने अमेजन के जो ऑनर हैं उनकी एक बयान में देख रहा था कि लोग खर्च ना करें, टीवी ना खरीदें, फ्रिज ना खरीदें, वॉशिंग मशीन ना खरीदें, अपने पैसे को बचाएं, लिक्विड जो लिक्विड रख है उसको बचाएं। तो 2023 में इसका कोई असर भारत पे आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जो मेन रीजन इन्फ्लेशन का ग्लोबली है, ये है कि उन्होंने अभी से नहीं परंतु 20 सालों से, और स्पेशली 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद, बहुत सारी लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है, बहुत पैसा प्रिंट किया है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा प्रिंट किया गया है। और स्पेशली अगर आप 2020 में जो कोविड का क्राइसिस हुआ था उसमें इतना पैसा प्रिंट किया गया है कि उसका कोई अथाह नहीं है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। तो अगर भारत इन्फ्लेशन से बचना चाहता है तो उसको बस इतना ही देखना है कि वो पैसा प्रिंट ना करे। जो गलतियां उन्होंने की हैं, जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है, वो ऐसी गलतियां भारत ना करे। और अभी तक तो भारत ने एक बड़े पैमाने पे वो गलतियां नहीं की हैं, तो अभी तक तो ऐसी बहुत बड़ी गलतियां नहीं की हैं। फिस्कल साइड पे डेफिनेटली भारत की जो सब्सिडीज हैं वो ऊपर जा रही हैं, पर मुझको लगता है कि अभी भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर उसको एक कंट्रोल में ले आए, उसको पॉलिटिकल वो मत दें, जैसे अभी हमने देखा कि सब्सिडीज पर से बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हो गई है। तो अगर पॉलिटिक्स के लिए, वोट खरीदने के लिए ये जो रेवड़ी पटन का जो चक्कर, अगर ये चल गया तो फिर इन्फ्लेशन डेफिनेटली आएगी। पर अगर आप उसको उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि जो ग्लोबली होगा उसका इतना इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भारत को करनी है वो ये है कि जो भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे छोटे जो उद्योग चलाते हैं, क्योंकि ये लोग हैं जो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो किराने वाले होते हैं, जो छोटी दुकानें होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनली बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, जो स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, उनको बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से
जबरदस्ती की कंपटीशन में मत डालें, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे पहले बीजेपी इसको बहुत विरोध करती थी, बहुत विरोध करती थी और ठीक विरोध करती थी, बट अभी मेरे को पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो अगर उनको बचा के रखें, ज्यादा उन पे ग्लोबल कंपटीशन ना डालें, बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा ना आने दें, और लोकली जो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कम करें, उनको फ्री करें, तो मेरे को लगता है कि अगर ग्लोबली जो भी होगा भारत में उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर ये काम किया जाए।